डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है अकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ देखिए तो कोरोना महामारी के दौरान अजमेर से लगातार प्रशासन को और मीडिया को लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी कि अजमेर के अंदर कई किराना के ऐसे व्यापारी हैं जो इस समय कालाबाजारी कर रहे हैं जो सामान उनके पास मौजूद हैं उनकी कीमतों में वृद्धि कर कर आम जनता को दे रहे हैं जिससे लगातार अवैध वसूली की सूचनाएँ कालाबाजारी की सूचनाएँ प्रशासन को और मीडिया के तक पहुँच रही थी ऐसे में आज रसद विभाग जो है वो एक्शन मोड में आ गया है और एक्शन मोड में आते ही उन्होंने चंदवरदाई नगर का एक दीपी ल स्टोर है और दिप्यश जनरल स्टोर पर रसद विभाग की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची है उपभोक्ता की शिकायत के बाद और यहाँ पर आकर उपभोक्ता और जो दुकान का जो व्यापारी हैं उन दोनों का आमना सामना करवाया गया और सारी जानकारियों को एक फॉर्म के अंदर फिलअप किया गया है यानी कि रसद अधिकारी की टीम मौके पर आई कालाबाजारी की सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए रसद विभाग अब मुस्तैदी अपनी दिखा रहा है और ये भी अपील कर रहा है कि अगर कहीं से भी इस तरीके की सूचनाएँ अगर है कहीं भी कालाबाजारी अगर हो रही है तो उसको रुकने के लिए प्रशासन को सूचनाएं दें प्रशासन तक सूचनाएं पहुंचाएं कि किस दुकानदार के ज़रिए कहां पर कालाबाजारी हो रही है और इसके लिए ग्राहक अब आगे आए यह अपील प्रशासन भी कर रहा है और आज जब यहाँ पर चंद्रवरदाई में कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के साथ में जिला अधिकारियों ने जो दुकानदार था उसको समझाया है कि इस तरीके से कालाबाजारी ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान नहीं करनी है जनता से किसी भी तरीके की अवैध वसूली इस वक्त नहीं करनी है अगर फिर भी कोई पड़ता करता अगर पाया जाता है तो उसकी दुकान को सीज़ भी किया जाएगा लेकिन आज रसद विभाग के अधिकारियों ने केवल आ, एक चेतावनी के तौर पर समझाइश की है चेतावनी दी है कि आगे से अगर ऐसा किया गया तो दुकान को सीज कर दिया जाएगा यहाँ की जानकारी तमाम दुकान के जो संचालक कि उनकी जानकारी को नोट डाउन विभाग ने कर लिया है उसके साथ साथ विभाग ने भी कहा है कि शहर के अंदर किसी भी तरीके से जो भी उत्पाद बेचा जाएगा उसकी रेट लिस्ट भी लगानी होगी रेटलिस्ट तय एक जो की गई है वो रेट लिस्ट के मुताबिक ही सारी चीजें बेची जाएगी एमआरपी से ज्यादा कोई भी उत्पाद जो है कोई भी वस्तु जो है वो बेची नहीं जाएगी किसी प्रकार का सामान बेचा नहीं जाएगा और जब ग्राहक और दुकानदार का आमना सामना रसद विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर कराया था तो, तो एक दिलचस्प चीज़ यहाँ पर आई थी जो लगातार पूरे शहर से आ रही है दुकानदार का कहना यह होता है कि जो भी सामान इस वक्त दुकान के पास आ रहा है वो वो ब्लैक में मंगा रहा है और ब्लैक में मंगाने के चलते ही वो इस वक्त सामान को दुकान से महंगा बेच रहा है ऐसे में जब दुकानदार से विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की सख्ती की कि आखिर किस जगह से मिल रहा है ब्लैक में कहाँ से आपने मंगाया तो इसका जवाब दुकानदार के पास कुछ भी नहीं था यानी कि बिल्कुल स्पष्ट था कि दुकानदार अपने स्तर पर ही इस वक्त कालाबाजारी को परवान दे रहे हैं और ऐसे में ये रोकथाम बहुत ज़रूरी थी ये सख्ती बहुत ज़्यादा जरूरी थी लेकिन विभाग की ओर से अभी जो कार्रवाई है वो सख्ती के तौर पर नहीं है ये कार्रवाई अभी चेतावनी के तौर पर ही चल रही है अगर फिर भी एम इंडिया भी ये कहता है कि अगर शहर में फिर भी आपको कहीं किसी भी जगह से अगर ऐसी सूचनाएं या आपके साथ इस तरीके से होता है तो तुरंत प्रभाव से जिला रसद अधिकारी को इस बारे में जानकारी दें जिससे विभाग एक्शन मोड में आकर तुरंत प्रभाव से उनके ऊपर जो कार्रवाई कानून के तहत है वो कर सके नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड 19 को फैलने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें अपनी आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुए आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोए भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें अगर आपको खांसी बुखारी या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षण देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रूमाल जरूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छ अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए